नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकारों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा आल्हा चौक स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जनपद के समस्त पत्रकारिता जगत से जुड़े पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि साहित्यकार संतोष पटेरिया और कार्यक्रम अध्यक्ष शुभ भारत के उप संपादक भगवान दीन यादव एवं विद्यालय प्रधानाचार्य कमलेश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीपार्जन और पुष्पार्जन के साथ हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार हरि किशन पोद्दार ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का एक समृद्ध इतिहास है। हालांकि हाल के वर्षों में पत्रकारों को डराने, धमकाने और गिरफ्तार करने की घटनाएं बढ़ी हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग भी पिछले कुछ वर्षों में गिरी है। भारत में पत्रकारों को काम करते समय कई शारीरिक खतरों और सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ता है। संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना उन्हें धमकियां, हिंसा या उत्पीड़न के खतरे में डाल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार अमित श्रोतीय ने पत्रकार साथियों की स्वतंत्रता और उनकी समाज के प्रति कर्तव्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। विद्यालय के शिक्षक और पत्रकार अरुण श्री माली ने कहा कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो किसी खतरे से कम नहीं। दुनिया भर के पत्रकारों पर जानलेवा हमला के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना 1999 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। इसे पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।